नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया, नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। हाँ कंटेंट को हमने लगभग 111 दिन सुना, उसके बाद में अभी हम अपनी शेयरिंग को रख रहे। इसी कड़ी में आज अनिल सिंह राठौड़ भैया से हम बातें सुनेंगे। अनिल सिंह भैया बाबू बनारस दास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, लखनऊ यूपी में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं। भैया यूएच के साथ में जून 2016 से जुड़े हुए हैं। जो हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स चलते हैं, उसी तरह से यूएचवी की भी जो फेस टू फेस वर्कशॉप्स हुए थे, इनमें इसमें जो डेटा है, तो डेटा बहुत सारा डेटा जनरेट होता है, उसके मैनेजमेंट में भैया की एक प्रमुख भूमिका रही है। तो भैया की जो यूएचवी जर्नी है उसके बारे में हम सभी जानना चाहते हैं, तो भैया को मैं आमंत्रित करता हूँ। ओवर टू यू अनिल भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते भैया। आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी भैया, आवाज क्लियर। नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया। मैं मेरे बारे में अभी ये सुन भैया ने थोड़ा बताया है, तो उसी परिचय के साथ मैं अपनी शेयरिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। तो 2016 में मेरा इस कंटेंट से जुड़ना हुआ था और थोड़ा गैप रहा, लेकिन उस गैप के बाद मैं 2018 एंड से इस कंटेंट के साथ और यूएचवी की एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इस जुड़ाव में जब मैं अपने को देखता हूँ तो जब कंटेंट कहता है कि आप एक को एग्जिस्टेंस हैं सेल्फ और बॉडी का, तो इस बात को अडेप्ट होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, बट इस बात के अडेप्ट होने के बाद इन दोनों में डिफरेंस को ठीक से देख पाने में समय लगा। और ठीक से देख लिया है ये भी कहना बहुत ठीक नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कोशिश हुई है। तो जब सेल्फ और बॉडी को अलग अलग करके मैं देखने की कोशिश करता हूँ, और जो कंटेंट से हमने देखा कि सेल्फ ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी सारी एक्टिविटीज के लिए, तो जिसमें सेल्फ की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बॉडी के लिए बताई गई वो पोषण संरक्षण और उसके सदुपयोग की बात रही, तो मैं देखता हूं कि जितना जितना मैं अपने सेल्फ के आधार पे निर्णय लेने की कोशिश करता हूं, उसके हिसाब से मैं अपने को बेहतर कर पाता हूं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस पिछले समय में रही हैं जिसमें मैंने जब सेल्फ पर ध्यान दिया है उससे मुझे काफी अपने को कंट्रोल करने में, अपने को ठीक से डिसीजन लेने में काफी मदद मिली। जब किसी से व्यवहार में होते हैं तो जनरली एक रिएक्शन क्रिएट होता है, जब अपने हिसाब से चीजें नहीं हो रही होती हैं तो एक रिएक्शन क्रिएट होता है, और जब अपने हिसाब से चीजें होती हैं तो भी वो रिएक्शन ही होता है। इसको भी मैं बहुत बार देख पाता हूँ। लेकिन जब मैंने इस पे थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की कोशिश करी और जिन सिचुएशंस में रिएक्शंस होती रहीं उन पे मैंने बहुत धैर्य से जब सोचा, धैर्य से उनको सिचुएशन को सुना, तो रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स अपने में बनना स्टार्ट हुआ।
इस जगह पे मैंने विशेष तौर से इस बात को देखा कि जब मैं किसी व्यक्ति को जो सामने से अपनी बात कह रहा होता है, अगर मैं उसको ध्यान से सुनता हूँ और ध्यान से सुनने के बाद अपनी बात कहता हूँ, तो जनरली वो रिस्पॉन्स के टर्म में निकलता है। कई बार मैंने ऐसा देखा कि जब बहुत बात हो रही है या कोई बात का कन्वर्सेशन बहुत हो रहा है, तेज हो रहा है, तो जब भी मैंने अपने में ऑब्जर्व किया कि मैंने सामने वाले को सुनने में प्रायोरिटी नहीं दी, उस समय मैंने देखा कि मेरे से रिएक्शन हुआ है। लेकिन इस रिएक्शन और रिस्पॉन्स में मैं अपने आप में कुछ जगहों पे ये पाता हूँ कि जब मैं किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ तो एक लेवल ऐसा भी आता है कि मैं वहाँ रिस्पॉन्स न करने के बजाय उस इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि वहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स हो सकता है, उसमें कई बार मैंने अपने आप में देखा है कि कोई मेजर प्रोग्राम नहीं बन पाया रहा उस पॉइंट ऑफ इंस्टेंस पे। लेकिन बाद में जब उसको उसी बात को फिर से देखते हैं तो दिखता है कि वहाँ पर जो रिस्पॉन्स या रिएक्शन हुआ है उसमें क्या और करेक्शन हो सकता था। तो ये रिएक्शन और रिस्पॉन्स में मेरे साथ एक ऑब्जर्वेशन भी चल रहा है और जो दुविधा है वो भी बनती है। इसी के कंटिन्यूएशन में जब किसी व्यक्ति के साथ फिर इंटरेक्शन में होते हैं तो ये जो रिएक्शन और रिस्पॉन्स है ये बेसिकली उसके और मेरे इंटेंशन और कॉम्पिटेंस को कनेक्ट करता है। तो इस रिएक्शन और रिस्पॉन्स के इवेल्युएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेंशन और कॉम्पिटेंस को जब मैं अपने में देखने जाता हूँ तो जनरली अब कोशिश करता हूँ कि मैं व्यक्ति का इंटेंशन देख पाऊँ। और विद्या ये कहती है कि सभी का इंटेंशन क्लियर ही है, सभी का इंटेंशन ठीक ही है, बट इस ठीक इंटेंशन को अपने में ठीक से ले पाना ये योग्यता की बात आ जाती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार सामने वाले की योग्यता को ठीक से नहीं देख पाने की वजह से मैं भी बहुत जो रिस्पॉन्स मेरा बनना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। इस पूरी बात को जब मैं अपने में देखने की कोशिश करता हूँ तो अभ्यास एक से जब मैं इस बात को देखने की ये जो जब मैं कोशिश करता हूँ अपने विचारों को देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा जरूरी जो हमारा अभ्यास एक है उसमें स्टेप वन ही लगता है। और बार बार स्टेप वन को देखने जाते हैं तो हर सिचुएशन हर स्थिति परिस्थिति बदली हुई जो नज़र आती है उसको ठीक से देख लेना ये मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। कुछ समय पहले की अगर बात करें तो स्टेप वन ठीक से नहीं दिखता था, अभी स्टेप वन ठीक से दिखता है लेकिन पूरी तरीके से मैं देख ही पाता हूँ ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्टेप वन अब थोड़ा थोड़ा मुझे दिखने लगता है दिखता है। स्टेप वन में जो इच्छा विचार और आशा को देखने की बात है जिसमें जनरली जो देखने में आता है वो विचार ज़्यादातर दिखते हैं, जो उसका भाव है वो भाव बहुत ज़्यादा पकड़ में नहीं आते हैं। विचार और विचारों के पीछे जो विचार हैं उसमें जो एक दौड़ है वो एक लेवल तक दिखती है। और स्टेप टू में जब देखने जाते हैं कि ये सहज स्वीकार्य है या नहीं तो उसमें भी विरोध रहता है। बहुत बार बहुत सारे विचार अब जो दिखते हैं वो जनरली
बहुत सहज स्वीकार्य नहीं होते हैं, कुछ होते हैं बट बहुत सारे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये जो विचार वाला पक्ष है या विचार को देखने का और विचारों से उनको एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने का ये काम होता रहता है। स्टेप फोर में देखें जो इस बात के लिए है कि इसका निर्णय कौन लेता है, तो जो स्टेप में बात रखी गई है कि कोई एक्सटर्नल परिस्थिति है या कोई दूसरा व्यक्ति या मैं स्वयं, तो कंटेंट के हिसाब से विचारों से और कंटेंट के हिसाब से लगता है कि जरूर ये जो निर्णय है ये मैंने ही लिया है, लेकिन जब इसको विचारों में और अपने अंदर देखने जाते हैं तो बहुत बार दिखता है कि ये मेरा ही निर्णय है, लेकिन बहुत बार परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं जिसमें ये जानते हुए कि ये मेरा निर्णय है फिर भी ऐसा लगता है कि कोई दूसरे की वजह से ये सारी स्थिति परिस्थिति बनी है, बावजूद इसके कि ये निर्णय मेरा ही है। इसके बावजूद यहाँ पे जो ये प्रोग्राम और सेटलमेंट की बात है ये यहाँ पे कहीं ना कहीं चूक होती है, ऐसा मुझे बहुत बार दिखता है। स्टेप फाइव में जो आधार देखने की बात है, तो आधार में सही समझ और मान्यता इन दोनों के बीच में जब देखने जाते हैं तो अक्सर करके ये देखने को मिलता है कि ये जो भी इस समय एक्ट हो रहा है वो किसी न किसी मान्यता के ही तहत हो रहा है, क्योंकि उस मान्यता को के तहत जो भी मैंने एक्ट किया है जब मैं उसको देखने जाता हूँ तो एक लेवल पर यानी कि भाव के स्तर पर जब उसको देखने की कोशिश करता हूँ तो बहुत कनेक्ट नहीं होता है, और उसकी वजह से ये जो डिस्कनेक्शन है पेनिट्रेशन है कि उस पर क्या रीजन की वजह से ये डिसीजन यानी ये जो निर्णय मैंने लिया है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं अटकता है। तो अल्टीमेटली ऐसा ही लगता है कि ये जो निर्णय हुआ है ये पूर्व की जो विशेष मान्यताएं बनी रही हैं उन्हीं के ही आधार पे हुआ है। तो इसकी वजह से ये जो विचारों में उथल पुथल है ये होती रहती है। सहज तो संबंध का ही भाव समझ में आता है, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो संस्कार हैं वो एक्टिव होते हैं और वहां पर इनको देखना, तो वहां जो ये द्वंद होता है ये कभी कभी बहुत परेशान भी करता है, क्योंकि जो मान्यता बनी हुई है जो संस्कार बना हुआ है और जो संस्कार को परिष्कृत करके ठीक करके करना है उसके बीच में ये जो गैप बन रहा है ये गैप पर काम करने की जरूरत है ऐसा मुझे लगता है। बट इसमें थोड़ा समय भी लग रहा है और उसके साथ साथ कभी कभी क्या करना चाहिए वो बहुत बार ठीक से क्लियर नहीं होता है, तो ये बात है। अभ्यास दो में अगर मैं देखूं तो मैं और शरीर ये दो अलग वास्तविकताएं हैं, ऐसा बहुत बार बहुत सारे एग्जांपल्स में जैसे एक्सरसाइज टू में भी जब हम लोगों ने एक्सरसाइज टू करी थी तो बहुत सारे भैया ने एग्जांपल्स दिए थे, उन सारे एग्जांपल्स को जब मैं देखने के लिए जाता हूँ तो उनसे बिल्कुल दिखता है कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। शरीर और स्टेप टू में जब मैं शरीर और मैं के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान है उसको देखने जाता हूँ तो मैं एग्जांपल्स को ही जनरली लेता हूँ, तो उससे लगता है कि
मैं जब इंस्ट्रक्शन देता हूं या जब मैं बॉडी से कोई सेंसेशन होता है, जब मैं उसको रिसीव करता हूं, तो उससे ही सेल्फ बेसिकली डिसीजन ले रहा होता है, ऐसा कई सारी जगहों पे दिखता है। और ये जो स्टेप थ्री में किस सूचना को पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है, इसको भी कई बार देखता हूँ, कई बार मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, स्पेशली सिचुएशंस में इस चीज को अभ्यास करने की कोशिश करता हूँ कि बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पे मैं जब मैं फोकस करता हूँ तो वो विशेष तौर से मैं उस एक्टिविटी के साथ कनेक्ट करता हूँ और बाकी जो अदर एक्टिविटीज हैं वो डिस्कनेक्ट होती हैं। और ये अभ्यास मैंने काफी करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से ऐसा भी लगता है कि जो वन वे वाला जो ये प्रोसेस है, इसमें कोई जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कई सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत होती है, तो वहां पर जिस पे फोकस कर रहे होते हैं वो तो ठीक से चल रही होती है, बट जो और चीजें हैं जिन पे शायद जरूरत है वो फिर मिस होने लगती हैं। तो सामने वाला या कोई सिचुएशन ऐसी है उसको फिर रिकॉल करना होता है, ऐसी सिचुएशन में कई बार आती है मेरे साथ। स्टेप फोर में जो संवेदना से दूर होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूं, इसको जब मैं अपने पे अप्लाई करने जाता हूं तो मैं देखता हूं होता तो ऐसे ही है, बट बहुत बार ये सब मिक्सअप हो जाता है, बहुत बार ये मिक्सअप हो जाता है। इस तरीके से अगर देखें तो स्टेप जो हमारा अभ्यास दो है उसमें जो अपना 5 और 6 है, इसमें बहुत सारा एक डिटेलिंग में दिया हुआ है कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। जब बहुत ध्यान से देखते हैं, अपने को बहुत ध्यान से देखते हैं, तो पाते हैं कि ये जो सिक्वेंस्ड एक्टिविटीज हैं इसी के ही ऑर्डर में होता है। लेकिन जब भी ध्यान भटकता है या ध्यान नहीं होता है, और बहुत बार ही सिचुएशन जीने में ऐसा होता है कि बहुत बार इतना ध्यान नहीं होता है, तब ये सारी चीजें एक दूसरे में मिक्स्ड अप हो जाती है, ऐसा लगता है। अगर इन अभ्यास एक और अभ्यास दो के आधार पे मैं अपने आप को इवेल्युएट करके ओवरऑल बात करूं, तो पिछले 3 से 4 महीनों में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि अपने पे देखने की एक्टिविटी को जितना ज़्यादा हम करते हैं उतना बाहर में अपने को और बाहर की एक्टिविटीज़ को उतना ही बेहतर तरीके से हम दृष्टा के तरह से देख पाते हैं और उसमें अपनी भागीदारी देख पाते हैं। लेकिन पिछले 4-5 महीनों में मैंने ये देखा है कि इस एक्टिविटी को करते हुए जो एक इंट्रोवर्टनेस की बात है वो मेरे में, मुझे लगता है, बढ़ी है, ऐसा मुझे लगा है। और जिम्मेदारी के टर्म में मैं देखूं तो 2018 से यूएचवी एक्टिविटीज के लिए थोड़ी बहुत जो अपनी योग्यता है उसके आधार पर अपना पार्टिसिपेशन करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर स्वयं में समझ के लिए कितना समय लगा सकते हैं कि बात को आंसर करूं, तो बहुत स्पेसिफिकली बैठ करके जो सुबह की एक्सरसाइज का टाइम है उसमें तो थोड़ा बहुत अपने पे काम हो पाता है। जब खाली समय में बैठे हुए होते हैं उस समय में विचारों को देखने की एक्टिविटी ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है, उसको देखने का काम अपने से स्टार्ट होता है। और उस देखने में जो मैंने अभी शेयर किया कि विचार पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत बार विचारों में ही रह जाते हैं, विचारों से आगे पेनिट्रेट करने के लिए जो भाव को देखने की बात है उसको, बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करने की देखने की कोशिश करता हूं, लेकिन वहां कहीं ना कहीं अभी बहुत कनेक्ट नहीं बन पा रहा है। तो कितना एग्जैक्ट समय लगाते हैं ये तो कभी मेजर नहीं किया, लेकिन जब भी समय मिलता है तो कोशिश करते हैं। जिम्मेदारी
जितनी मुझे मिली है और जितनी योग्यता के हिसाब से मैं कर पाता हूँ उतना मैं जरूर करता हूँ। हाँ जरूर पिछले कुछ दो एक महीनों में जितनी इंटेंसिटी के साथ मैं लगा था उतनी इंटेंसिटी के साथ समय नहीं निकल पा रहा है। कुछ कॉलेज की व्यस्तता रही एनबीए एंड एक्टिविटीज को लेकर के, कुछ घर में घर के सदस्यों के साथ मेडिकल इश्यूज इस तरीके के चीजें, तो उसकी वजह से थोड़ा इसमें एक वेरिएशन चल रहा है। और ये जो कम से कम दो घंटे का समय लगाने का एक सजेशन है, इस सजेशन में दो घंटे एग्जैक्टली हो या कम और ज्यादा हो अभी थोड़ा उससे हटके करते हैं, क्योंकि जब भी समय मिलता है या जब भी कोई एक्टिविटी के लिए मेरी जरूरत होती है या जहां पर जिन एक्टिविटीज को मैं देख रहा हूँ उन एक्टिविटीज में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही बनती है, तो फिर अलग से एक एडिशनल टाइम निकाल के उस एक्टिविटी को करना मेरे को जिम्मेदारी की तरह लगता है, तो मैं कर ही देता हूँ। कुछ एक्टिविटी जिसमें मुझे लगता है कि थोड़ा आगे और पीछे समय लिया जा सकता है वो लेकर के मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी तरफ से इतना ही है जी। भैया नमस्ते। जी धन्यवाद भैया। अभी मैं कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वो अनिल भैया के शेयरिंग के बारे में अपनी बात रखें। कुमार भैया जी सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया। बढ़िया शेयरिंग रही अनिल भैया आपकी। अनिल भैया ने 2018 में ही यात्रा शुरू की साथ में और उसके बाद एक अच्छी गति रही है और कुछ चीजों की जिम्मेदारी उन्होंने ठीक से स्वीकार ली है। तो अगर आप देखें तो ऑनलाइन वर्कशॉप में बहुत सारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट का काम है, आईटी सपोर्ट का काम है, इसमें अनिल राठौड़ भैया की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही है, जिसके कारण बड़े ही सुगम तरीके से ये सारी गतिविधियां चलती रही। और भैया स्वयं पे भी काम करते रहे हैं जो आपकी शेयरिंग से निकल कर आया, अभ्यास एक के जैसे स्टेप्स को भैया ने अभी शेयर किया, तो उससे ये दिखता है कि किस तरह से आप बारीकी से अपने ऊपर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो विचार वाला भाग है अभी भी ज्यादा है और उससे पीछे भाव को देखने वाले काम को और बारीकी से करना है। इनफैक्ट सभी के लिए स्टेप वन जो है अभ्यास एक का काफी महत्वपूर्ण है कि हम भाव को सजग हो जाए। एक बार हम भाव को सजग होते हैं तो उसका मूल्यांकन सहज से होने लगता है, क्योंकि जितना अभी तक हमने अपने ऊपर काम किया है, जांच करने का अभ्यास किया है, उससे वो मूल्यांकन शुरू हो जाता है। तो उस विचार वाले भाग से निकलकर थोड़ा भाव वाले भाग में अगर अपने को ठीक से काम किया जाए तो और अच्छी गति बनेगी। और ये जो लग रहा है कि हम इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं इस अभ्यास को करते हुए, तो उसका एक कारण यही हो सकता है कि जब हम सजग हो रहे हैं, विचार पे ध्यान दे रहे हैं, तो विचारों में ही समाधान देख रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो उससे कई बार क्या होता है कि बहुत सारे विकल्प खुलते जाते हैं और उसमें फिर हम बेहतर विकल्प चुनने का प्रयास करते हैं। तो तुलन तो हम कर रहे हैं परंतु दृष्टियां जो है अभी सहज स्वीकृति के आधार पर स्थापित नहीं होने का उसमें बहुत सारा उलझन जैसा लगने लगता है और निर्णय लेने में कई बार अनिर्णय की स्थिति आ जाती है। तो फिर हम उसमें एक ऐसी स्थिति में भी आ सकते हैं जिसमें हमको लगता है इंट्रोवर्ट हो गए। और यदि हम भाव के स्तर पर होते हैं तो फिर वहां से जो भागीदारी का आयाम खुलता है तो फिर हमारे जीने में स्फूर्ति आने लगती है। जो भागीदारी हमको कई बार विचार पूर्वक करना होता है वो सहज रूप से होने लगता है। तो इस वाले भाग पे थोड़ा और समय लगाया जाए। इनफैक्ट ये NAC NBA NIRF इन सब में अभी हमें से कई साथी थोड़ा व्यस्त हो गए हैं पिछले कुछ समय से। तो अभी से एक वर्ष पहले जिस तरह से हम लोग समय लगा रहे थे, भागीदारी कर रहे थे, कुछ थोड़ी सी कमी आ गई, बट मुझे लगता है कि अब एक राउंड ये पूरा हो जाएगा इस वर्ष तक। लगभग सारे संस्थानों में या तो मिल गया है एक्रेडिटेशन या फिर उसके लिए प्रोसेस लगभग ओवर हो जाएगा, तो उसका ज्यादा समय निकलेगा और जब ज्यादा समय निकलेगा तो हम अपने ऊपर भी और अच्छे से काम कर पाएंगे, परिवार के साथ भी और समय दे पाएंगे, तो वो गति बन पाएगी सहज रूप से आने वाले समय में। तो ओवरऑल देखें तो भैया की स्थिति काफी अच्छी है। इस पर जो अभी बात हुई तो भाव वाले भाग पे थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो पूरा प्रस्ताव गया मैं के बारे में, अस्तित्व के बारे में, किस तरह से
पूरी प्रकृति सहस्तित्व का ही प्रकटन है। अगर सहस्तित्व के स्तर पर जाके देखना शुरू करें तो और स्थिरता बढ़ेगी और उसमें सहजता आ जाएगी। जी तो मेरी तरफ से इतना ही इनपुट है भैया के लिए। जी बढ़िया, थैंक यू भैया, मैं कोशिश करूंगा और कोशिश कर भी रहा हूँ। विचार से जो भाव वाला पक्ष है भैया, विचारों से भाव की तरफ शिफ्ट होने वाला, उसमें कोशिश कर रहा हूँ बट बहुत सफलता नहीं मिल रही है, तो मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा आपसे इस बारे में। जी ठीक है, थैंक यू भैया, बिल्कुल। जी धन्यवाद भैया।